कल हमारी पूरी फैमिली आने वाली है तुम्हारे घर पर, ऋषि का शगुन 125 रुपया लेकर। ऋषि कुमार पीछे। गोविंद भाई मेहता अकेले नहीं, उनका दामाद ऋषि पारेख हमेशा उनके साथ। देख सोभा, जो काम तुम अकेली नहीं कर सकती ना, वो सब अब ऋषि कुमार करेंगे तेरे नानू के लिए। तो बेटा अब तो तू ऋषि कुमार के साथ शादी करेगी ना? हाँ ना, 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 ना। नानू खुश तो मैं खुश, नानू खुश तो सुगली खुश, नानू खुश तो सुगली खुश। ए सुगली, सुगली हुआ क्या है तुझे? इन्हें चले जीजू से मिलकर आ भी गई। ये जीजू मत बोल, सुगली गुस्सा हो जाएगी। नहीं होगी गुस्सा, बोलने दे। तुम लोग उसको जीजू कह सकते हो क्योंकि सुगली ने नाना जी को हाँ कर दी है अंग्रेज से शादी करने के लिए। अरे वाह, ये समझदार हो गई है, मतलब शिवली की शादी हो जाएगी। अब शादी में बहुत सारी मिठाइयां भी होगी और इसमें नाचने भी मिलेगा। बस ऐसे शिवली, तुझे तो जीजू की शक्ल भी नहीं पसंद, तो तूने शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया? मेरे नानू के लिए, क्योंकि वो है ना, मेरे नानू को कभी दुख नहीं देगा, उनकी बहुत देखभाल करेगा। और कांता मासी ने मुझसे कहा था कि मैं अंग्रेज से शादी कर लूंगी ना तो मेरे नानू की उम्र बहुत बढ़ जाएगी, वो उनके सारे दुखे ना से हवा में फुर्र कर देगा, वो मेरे नानू को है ना इतनी सी भी तकलीफ नहीं देगा, मेरे नानू का वर्ड एकदम बढ़ जाएगा। जी, आप शाम को घर पर चलकर मत आइए, मैं आपको लेने आ जाऊं। देखो तो मेरे नानू का वर्ड कैसे बढ़ गया है, एकदम सलमान खान की तरह लग रहे हो। है? कहा है नानू? मैं तो सपना देखने लग गई थी। सपना? कौन सा सपना? ये कि वो अंग्रेजी है ना, वो मेरे नानू की बहुत देखभाल कर रहा है। ए शुभली, हमें जीजू से मिलाने ले जाना। ए ना बापा ना, ऐसे कैसे मिलाने ले जाऊं? मिलाना, और हम उनसे मिलकर कहेंगे कि जैसे आप हमारी शुभली के नानू का ध्यान रखते हो वैसे ही आप हमारी शुभली का ध्यान रखना। वो सब ठीक है, लेकिन अभी वो कहाँ होगा मैं नहीं जानती। अरे अपने घर पे होगा वो, तो फिर चल ना मिल के आते हैं। हाँ, मना मत कर। अच्छा चलो। I never believed all these things. मगर आज मेरा प्यार है वो मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं इन सब चीजों पर बिलीव करूं। हे भवानी माँ, आप तो जानती हैं कि मेरा इंटेंशन कभी भी ऋषि को चीट करना नहीं था, जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, मगर आज मैं उसे सब कुछ सच सच बताना जा रही हूँ। हे माँ, मैं उसे सब कुछ सच बताने के बाद भी वो मुझसे नाराज ना हो, मुझे अपना ले।
कमाल है, सुबह अभी तक नहीं आई। कॉलो फोन भी नहीं उठा रही। जल्दी जल्दी चलो, देखते हैं सबसे पहले तुम्हारे जीजू से कॉल मिलता है। ए सुबीर, रुक। क्या हुआ? वो देख जीजू। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं? ले ये तो यही मिल गए, चलो। चलो क्या, रुको, हम उनसे मिलने जाएंगे और उनके सामने ज्यादा चटर पटर मत करना, मुंह बंद और कान खुले रखना। लेकिन क्यों? क्योंकि ऐसे बड़े और पढ़े लिखे लोगों को ना ज्यादा बात करना पसंद नहीं। और शुभली तू तो एकदम चुप ही रहना, क्योंकि तेरी उनसे शादी होने वाली है। ओहो, मेरे पड़ाकू एकदम नानू की तरह बोलने लग गया हा? पर मैं है ना जैसे बात करती हूँ वैसे ही करूंगी। आया बड़ा, ठीक है अब चलो चुपचाप। चलो ये तो वो झगड़ालू लड़की है। ओ गॉड, ये फिर यहाँ कैसे आ गई? और ये उसकी गैंग, ये चारों ऐसे परेड कर रहे हो वैसे क्यों चल रहे हैं? क्या है, मैंने तुम्हारे पैसे तो लौटा दिए, अब क्या है? Hi sir, how are you? I'm fine. We are also fine and good to see you. Thanks. Same to you too. Same to you three. ये क्या अंग्रेजी में गॉटपिट गॉटपिट कर रहे हो? तुमने कुछ कहा? हे मत बोल, हाय बोल। हाय हाय, हाय हाय कैसे बोल दूँ? क्या? एक्चुअली वो कहना चाहती है सॉरी। ओह अच्छा, फाइनली तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया कि मैंने तुम्हारे पैसे जानबूझकर नहीं लिए थे, है ना? जी जी, दरअसल आप बहुत अच्छे इंसान हो। ये तो मैं ही डफोड़ू कि आपको गलत समझ बैठी। आपने तो मेरे पैसे भी लौटा दिए है ना। सच कहूं आपने जो किया है ना इसी की वजह से मैंने हाँ कर दी। हाँ? किस बारे में? अरे ऐसे क्या, वो आप में चुप, एकदम हिलना मत, जहां है वहीं खड़े हो जाइए वरना वो उड़ जाएगी। कौन उड़ जाएगी? मक्की, आपके सर को खेत खलियान समझकर मंडरा रही है। बल करम जली मक्खी, जानती है किसके सिर पर जाके बैठी है तेरी ये जुर्रत? गई, अब तू काम से गई, टुकली तुझे नहीं छोड़ेगी। हाय हाय, मोटू के गाल पे जाके बैठ गई है। मोटू तू बिल्कुल डर मत, सुगली है ना सब संभाल लेगी। हाँ हिल मत। हिल मत पतलू। अरे सुगली कुछ मत करना, चुप। मैं हूं ना। अरे तू है इसलिए तो डर लग रहा है। चुप। सुबली तू पागल हो गई है। चुप कर, मक्खी उड़ा दी ना।
तुम लोग सच में कमाल धमाल हो। एक मक्की को उड़ाने के लिए उसको मार दिया। सुबह ऋषि के साथ, और ये लोग हंस क्यों रहे? सुबह ऋषि के साथ है, इसका मतलब ये है कि ऋषि को पता चल गया मैं सुबह नहीं हूं। ओह गॉड, सच में आज हंस हंस के मेरा पेट दर्द करने लगा है। आज तुम लोग से मिलकर मुझे बहुत मजा आया। एनीवेज, अब मैं जाता हूं। I'll see you all again. Bye. कर दिया ना कपड़ा अब? हाँ? क्या? अब मैंने क्या किया? तू तो जीजू को बताना भूल ही गई कि तूने शादी के लिए हाँ कहा है। हाय हाय डफोर सुबली। अरे मैं उसे बताने वाली थी कि वो मक्खी बीच में आ गई। कोई बात नहीं, एक और रास्ता है। तब पीछा करते हुए जाएंगे और इसे रोककर उसे बता दूंगी। हाँ चलो, साइकिल कहाँ है? चलो चलो जल्दी उधर। सुबू सुबू, ये तो गए। इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, मुझे ऋषि से बात करनी होगी। ओह गॉड, मेरा फोन कहाँ गया? शायद मैं घर पे भूल गई होगी। ओह गॉड, कोई मिलने आया है तुझसे? मुझसे? कौन है? अरे सुबह। सुबह यहाँ मिलने आई है? सुबह ने इतना बड़ा घूंघट डाला और हाय हेलो के बजाय प्रणाम। को क्या हो गया? ना फोन उठा रही है, ना ही कॉल बैक कर रही है। स्ट्रेंज है। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और अब जाके तुम्हें टाइम मिला है मुझे कॉल बैक करने का? कॉल बैक? अरे जब तुमने फोन ही नहीं किया तो फिर मैं कॉल बैक कैसे करूं? अरे राहुल तू है, वो सब छोड़ यार। ये बता कि सुबह के साथ तेरी मीटिंग कैसी रही? कौन सी मीटिंग? सुबह मुझे मिलने नहीं आई और ना ही मेरा फोन उठा रही है। फोन भी नहीं उठा रही? अरे हो सकता है किसी जरूरी काम में बिजी होगी यार। लेकिन ऐसा कौन सा जरूरी काम जो फोन तक नहीं कर सकती, कॉल बैक तक नहीं कर सकती? लीव इट। जीजू से कैसे मिलोगे? वो गाड़ी पर है और हम साइकिल पर, नहीं पहुंच पाएंगे। गलती उसकी है, उसने गाड़ी जरा धीरे चलानी चाहिए थी ना। अब क्या करेगी जी शुभली? लगता है उसके घर जाकर ही उसको बताना पड़ेगा। एक काम करो, तुम लोग सब यहीं पे रुको, मैं अकेले जाकर आती हूँ। क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? तेरे लिए एक सरप्राइज, कोई मिलने आया है तुझसे। मुझसे? कौन है? अरे सुबह। सुबह?
सुबह आई है तुझसे मिलने। सुबह यहाँ मिलने आई? कमाल है, मैं तो उसका वहां वेट कर रहा था और वो यहाँ आ गई। स्ट्रेंज, तू सुबह से मिलने गया था? हाँ, तूने हमें बताया नहीं कि तू सुबह से मिलने गया? अब वो एक्चुअली अरे वो सब छोड़ और जल्दी से जा, वो तेरा इंतजार कर रही है। कहाँ है वो? अरे बेचारी कब से अंदर बैठी है, चला मिलवा दो। अब जी भर के बात कर ले, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना बड़ा घूंघट डाला है और हाय हेलो के बजाय प्रणाम। आई एम श्योर घर वाले सब मिलकर मेरी टांग खींच रहे हैं, बट उन्हें इतना भी नहीं पता कि बिजनेस मैनेजमेंट की स्टूडेंट ऐसे कपड़े और ऐसा बिहेवियर कभी नहीं करेगी। अब आएगा मजा। ऋषि मैं तो अब भी शॉक में हूँ यार, आई मीन इतनी ट्रेडिशनल लड़की को तूने पसंद कैसे किया? तो सच में मान है मेरे भाई। वो क्या ना नाम, दुनिया चाहे कुछ भी कर पर मुझे ऐसी देसी लड़की पसंद। सर पर पल्लू उड़ना, बड़ों को प्रणाम करना, अरे यही तो हमारे संस्कार है। ये सब संस्कार आज की मॉडर्न लड़की में का। पर मेरी सुबह सबसे अलग है ना सुबह? सुबह आई लव यू सो मच, आई रियली लव यू सो मच। मैं पता नहीं सब ऋषि क्या कर रहा है। वो तेरी भाभी है, सुबह नहीं है। अच्छा इतनी जल्दी पकड़ गए? क्यों राहुल? क्या यार रावेश भाई, दो मिनट नहीं रुक सकते? आप लोग है ना ऐसे सिली आउटडेटेड प्रैंक्स मुझ पर मत आजमाइए। आप लोगों को क्या लगता है मैं मेरी सुबह को नहीं पहचान पाऊंगा? मेरी सुबह? वाओ ऋषि भाई, सो रोमांटिक। ऋषि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ कि मैं सुबह नहीं शलाका हूँ। आई लव यू सो मच। आज ही मैं कैसे फोन घर पे भूल गई? कहाँ? गॉड, ऋषि के 10 मिस कॉल्स। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। लेट मी कॉल हिम फर्स्ट। नहीं नहीं कॉल करके मैं क्या बात करूं उससे? पता नहीं सुबह और ऋषि के बीच क्या बातचीत हुई। पहले मुझे उससे मिलना होगा और जान लेना होगा कि क्या बातें हुई तुम्हारे बीच। नहीं, सुबह के मिलने में चक्कर में बहुत लेट हो जाएगा। क्या करूं मैं? मुझे ऋषि को अभी बता देना होगा। कॉल करने से अच्छा मैं उसे मैसेज कर देती हूँ। हाँ ऋषि, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ, पर उससे पहले कह दूँ कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से जाने लगी हूँ और अब तुम्हारे सिवा मेरे जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। चाहे तुम मुझे अपना या ना अपना, पर सच ये है
कि मैं सुबह नहीं शलाका हूं। तुम्हारा रिश्ता सुबह के लिए आया था, जिसकी जगह मैं तुमसे मिलने आ गई सुबह का मैसेज देने। और तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार करने लगे। मैं तुम्हें ये सब बता दूं, उससे पहले ही तुमने मुझे पसंद कर लिया। और ये अब इतनी जल्दी हो गया कि मैं तुम्हें सच बता ही नहीं पाई। आज भी मैं तुमसे मिलने आई पर हम मिल नहीं पाए। उम्मीद है कि तुम भी मुझे समझ के प्यार करते हो। ऋषि, तुम मुझसे प्यार करते हो वो इसे सुबह या शलाका के नाम से नहीं। और मुझे इस सच के साथ माफ कर दो। ऋषि, आई लव यू। I love you so much। तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। शलाका को सुबह का मैसेज। Thank God, मैसेज तो आया। अभी पता चल जाएगा कि वो मिलने क्यों नहीं आई। मैं जो बोलने वाली हूं ना, वो सुनकर तू खुशी से पागल हो जाएगी, नाचने लगेगी। वैसे मुझे शर्माना मरमाना आता है नहीं, इसीलिए सीधे सीधे बता रही हूँ। मैंने उस अंग्रेज से शादी करने के लिए हाँ कर दी। क्या तूने शादी के लिए हाँ कर दी? क्यों रही?